आज का हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक गुल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रेंज बाउंड है 122-148 और आज ही स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, 162 का हाई लगाया है, 168 का। वीकली का अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक 118-116 and 160 में रेंज बाउंड था। तो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप 160-120 में कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप इसमें नियर टर्म 180-190-200 एंड अबव टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मंथली का अगर आप चार्ट देखें स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। स्टॉक ने 18 रुपीज़ से 226 का हाई लगा के दिन अगेन 120 से अभी 160 पर चल रहा है। तो एज डिस्कस 160-120 में फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटीज है वो नियर अबाउट हम 40-260 में ऐड करेंगे। एज पर चार्ट हिस्ट्री इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप इसमें 200-240-280 एंड अबव टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप ये चार्ट स्टडी कर सकते हो। एज पर इस कैपेसिटी ट्रेड लेना, एग्रेसिव एंट्री मत लेना। वीकली का अगर आप कैंडल देखे बहुत ही स्ट्रांग बनाए, अब वीक क्लोज होने में कल का ही दिन बाकी है तो ये भी एक अभी इसमें पॉजिटिव साइन लग रहा है। अदरवाइज आप 20-40% प्रॉफिट बुक करके भी आप इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो। तो एज पर इस कैपेसिटी ट्रेड में एंट्री लेना है और फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप ये चार्ट स्टडी कर सकते हो।